है एवरीवन गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन सेकंड बच्चे हम लोग यहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग एज यू ऑल नो एस क्लास टेन महाराष्ट्र बोर्ड में आपके एलजेब्रा में फोर्थ चैप्टर जो है उसका हम लोग कंटिन्यूएशन करने वाले हैं यहां तक हमने जीएसटी के काफी सारे चीजें पढ़े बच्चों आप लोग को पता ही होगा ये वाला जो चैप्टर है ये दो पार्ट में बटा हुआ है इट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स द फर्स्ट वन बीइंग जीएसटी एंड द सेकंड वन जिसको हम शेयर्स करके बोल सकते हैं अब तक हमने शेयर्स में कदम नहीं रखा है जीएसटी ऑलमोस्ट खत्म होने आया है बच्चों अब तक हम लोग ने जितने भी सेशन लिए है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सजेस्टेड वीडियोज में भी आ जाएगा पहला उसको अच्छी तरह से देख लेना एंड चैनल में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक करना इस वीडियो को

सबसे पहले बच्चों

सेम होता है तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी करके एक फॉर्मूला पड़ा था जो एक हर बंदा कितना पे करता है ये दिखा देता है सो इट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड बच्चों काफी इजी था उससे रिलेटेड आज हम लोग एडवांस क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 4.2 का उठाया मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों एंड दैट इज Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST of Rs. 3800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of Rs. 4100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros. and paid GST of Rs. 4500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. Bapre. जब क्वेश्चन को इतना बड़ा देखकर डर तो लगता ही है कि बापरे इसमें क्या क्या होगा बट बिलीव मी गाइज उन्होंने कुछ भी नहीं है, एक कहानी बताई है जहां पे तीन लोग हैं, तीन एंटरप्राइजेस हैं। तो सबसे पहले ना बच्चों एक पार्ट बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे वो क्या है जरा तो देख लेना यहाँ पे ना अमीर एंटरप्राइज की बात हो रही है इसलिए मैंने एक बॉक्स में अमीर एंटरप्राइज करके बताया इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे आप लोग को इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया तो अमीर एंटरप्राइज आ गया फिर सेकंड यहाँ पे एंटिटी कौन सा था बच्चा अगर आप लोग देखोगे तो अकबरी ब्रोज करके देखेगा तो मैंने यहाँ पे अकबरी

तो ऑब्वियसली आप ले लेते हो तो यहाँ पे अमीर एंटरप्राइजेस इज परचेसिंग चॉकलेट सॉस बॉटल इसलिए एरो इज शोइंग पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिम कितना सिंपल है राइट ना बच्चा यहाँ पे वो चॉकलेट सॉस बॉटल्स को खरीदते वक्त उसने पे कितना किया 3800 जीएसटी इसलिए मैंने वहां पे 3800 करके लिखा है मतलब अमीर एंटरप्राइज चॉकलेट सॉस बॉटल्स लेते वक्त ये उसका जीएसटी उसको पे करना था वेरी सिंपल उसके बाद में उसने अकबरी ब्रदर्स को यही चॉकलेट सॉस बॉटल्स को बेचा एंड उस टाइम उसने कलेक्ट कितना किया 4100 जाहिर सी बात है बच्चा आमिर एंटरप्राइज कुछ तो बेच रहा है तो उसका एरो अकबरी ब्रदर्स के पास पहुंचेगा पॉइंट हो जाएगा वेरी सिंपल है एंड एट दैट टाइम द जीएसटी जिसने उसने उसने कलेक्ट किया वो 4100 था आमिर

क्या ये फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है क्या द आंसर टू दिस इज बिल्कुल भी नहीं अगर आप इसको नहीं बनाते हो तो भी चलता है बट फ्लो चार्ट मेक्स द थिंग्स ईजियर फॉर यू सेकेंड बच्चों अगर ये फ्लो चार्ट मैं बना के आऊंगा या आऊंगी ऐसे अगर आपके मन में है तो एग्जाम में चलेगा क्या आंसर टू दिस हंड्रेड परसेंट चलेगा उल्टा ये उल्टा आपको डायरेक्शन देगा अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा लगेगा तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल जीएसटी पेएबल मतलब हमें फॉर्मुला पता है बच्चा आउटपुट टैक्स माइनस दी आई टी सी एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग मतलब हर एक के लिए हम लोग को देखना है अभी यहाँ पे ना बच्चा एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग हम लोग उन्हीं का उन्हीं का सोल्व करेंगे यहां पे जिसका आउटपुट टैक्स देकर रखा एंड इनपुट टैक्स देकर रखा तो सबसे पहले मैं यहां पे अमीर एंटरप्राइज के ऊपर फोकस कर सकता हूं जरा ध्यान से देखना बच्चों फॉर अमीर एंटरप्राइज मुझे लगता है मेरे पास यहां पे मटेरियल जब इन होता है तब का टैक्स को हम इनपुट टैक्स बोलते हैं मटेरियल जब आउट जाता है उस टैक्स को हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं तो यहां पे इनपुट टैक्स कौन सा एंड आउटपुट टैक्स कौन सा फ्लो चार्ट आपको आसानी से बता रहा होगा सिंपल है एब्सोल्युटली बच्चा द इनपुट टैक्स ओवर हियर इज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड And And the output tax over here is Very simple. And GST payable टैक्सर इज था उन्होंने, तो GST payable का formula है, output tax minus the ITC जो की इनपुट टैक्स होता है यहाँ पे आउटपुट टैक्स है, है आपका थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सब करो बच्चों एक सिंपल सा आंसर मिलेगा 300 करके हमें जीएसटी पेएबल मिल चुका है बट बच्चों जरा ऊपर देखना क्वेश्चन में तो दिखा है जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज तो निकालने बोला है बट उसके साथ साथ जरा नीचे भी देखना बच्चा उन्होंने बोला एस जी एस टी एंड सी जी एस टी पेबल भी निकालने बोला है। तो क्यों ना हम लोग उसी को इधर से ही कंटिन्यू करके निकाले मतलब द पेबल सी जी एस टी ऑलवेज बी इक्वल टू देबल एस जीएसटी एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ पेएबल जीएसटी सबको पता होगा बच्चों ये फॉर्मूला एंड कितना पे करना है उसको उसको थ्री हंड्रेड रुपीज पे करना है तो सी कितना हो जाएगा बचा उसी थ्री हंड्रेड का हाफ बन जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू तो उसको जीएसटी कितना पे करना है थ्री हंड्रेड जिसमें सी जीएसटी पे करना होगा वन फिफ्टी और एस जीएसटी पे करना होगा वन फिफ्टी यह मेरा अमीर एंटरप्राइज का क्वेश्चन स्टार्ट होकर खत्म भी हो गया वेरी सिंपल अब यहाँ पे उन्होंने बोला जीएसटी पेएबल ऑफ एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग बोला है तो एवरी स्टेज में अभी भी खत्म नहीं हुआ है अकबरी ब्रदर्स भी अकबरी ब्रदर्स के लिए बचा सेम टू सेम चीजें निकालनी है आपको तो so, यहाँ पे इनपुट टैक्स आपका इस बार फोर थाउजेंड वन हंड्रेड हो जाएगा एंड यहाँ पे आउटपुट टैक्स जो की है वो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो जाएगा सो यू कैन इजिली फाइंड आउट जीएसटी पेबल हेल्प ऑफ द फॉर्मुला आउटपुट टैक्स माइनस दी आई टीसी फोर थाउजेंड फाइव माइनस फोर करेगा तो so, यहां पे फोर हंड्रेड करके मिलेगा वेरी सिंपल एंड अगेन यू गॉट द जीएसटी पेएबल यू कैन इजीली फाइंड आउट सी जी एस एंड एस जीएसटी पेएबल विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल एंड ऑब्वियसली सबको पता है बच्चा हाफ ऑफ 400 कितना होता है एक वेरी सिंपल आंसर है बच्चा टू करके मिल गया आपको यहाँ पे अकबरी ब्रदर्स का भी जीएसटी पेएबल सी जीएसटी पेएबल एंड एजटी पेबल आराम से मिल गया एंड इट वॉज एज सिंपल एस इसके बाद ना बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मयंक फूड कॉर्नर का मैं यहाँ पे नहीं निकाल सकता because उसने किसी को बेचा है यहाँ पे कहीं पे भी दिखाया ही नहीं सो so बेसिकली हमें यहाँ पे इनपुट टैक्स भरे ही मिलता होगा बट आउटपुट टैक्स का कोई जिक्र ही नहीं है एंड दैट इज द मेन रीजन वी कॉन्ट फाइंड जीएसटी पेबल और हमारा क्वेश्चन इधर ही खत्म होता है एंड दैट हाउ एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग में मैंने जीएसटी पेबल सी जी एस टी पेबल एंड एस जी एस टी पेबल निकाल दिया एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट क्वेश्चन इजी था बच्चों ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले थोड़ा एडवांस होगा बट ऐसे टाइप का लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस सेट टू का है बच्चों इस बार क्वेश्चन नंबर फोर है एंड वो है मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे स्टेट के बारे में बात न करके उन्होंने यूनियन टेरिटरी की बात की है अब यूनियन टेरिटरी क्यों बात किया होगा इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज एंड सोल्ड लोकल कस्टमर फॉर रुपीज ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड चलो लेन देन की बात करेंगे तो यहाँ पे ना बच्चों गैस सिलेंडर के परचेसिंग की बात हो रही है एंड सेलिंग की बात हो रही है एंड यहाँ पे अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन तीन लोग नहीं है यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं वो कौन है बच्चा मलिक गैस एजेंसी करके है एंड उसने डायरेक्टली कस्टमर को बेचा तो हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे सबसे पहले आएगा बच्चा यहाँ पे फ्लो चार्ट फॉर मलिक गैस एजेंसी एंड दूसरा होगा बच्चा ऑब्वियसली अवर लोकल कस्टमर तो यहाँ पे सबसे पहले लेन देन के बारे में बात करते हैं मलिक गैस एजेंसी ने परचेस किया जब परचेस करते हैं तो एरो इज पॉइंटिंग टूवर्ड हिम बट उसने परचेस कितने में किया बच्चों तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड में उसने यहाँ पे गैस को गैस सिलेंडर को खरीदा उसके बाद में वो उसके पास न रखते हुए ही सोल्ड टू द द द द द कस्टमर कस्टमर तो पॉइंट विल विल बी बी पॉइंटिंग ऑफ एरो टुवर्ड्स लोकल एंड वहां पे उसने 26,500 को उसको बेचा अब बच्चों यहां पे मैं आप लोग का कुछ कंफ्यूजन मिटाना चाहता हूं ये कंफ्यूजन वैसे भी आपका मिटना चाहिए पिछले लेक्चर्स में ही हम लोग ने लिया है बट फिर भी अभी हम लोग ने देखा होगा पिछले लेक्चर पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपने देखा होगा तो हमने डायरेक्टली एक इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को जज कर लिया था यहां से हम लोग ने जीएसटी देखा तो इनपुट टैक्स था यहां पे आउटपुट टैक्स मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज और हियर उनको लगता है कि जो ट्वेंटी है जो कि यहाँ पे आया है वो इनपुट टैक्स है एंड यहाँ पे ट्वेंटी जो गया है वो आउटपुट टैक्स है सबसे बड़ी गलती बच्चों इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स आर एक्चुअली जीएसटी वो जीएसटी होते हैं आप लोग देखोगे ना तो 24,500 में उसने खरीदा है तो ये जीएसटी नहीं है बच्चा है 26,500 में उसने बेचा है ये भी जीएसटी नहीं है बच्चों ये टैक्सेबल वैल्यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इतना याद रखें कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स अगर आपको देखे रखा होगा ऑलरेडी तो बेस्ट है अगर नहीं देखे रहेगा ना बच्चों आप लोग सबको पहले उसको निकालना पड़ेगा यू नीड टू फाइंड आउट द जीएसटी और हियर इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स बच्चों समझ में आ रहा है ना कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आई होप सो मैं बता देता हूं बच्चों कैसे करना है देखो यहां पर ना बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे दो दो टैक्सेबल वैल्यूज है तो सबसे पहला टैक्सेबल वैल्यू हम कंसिडर करेंगे द टैक्सेबल वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज परचेस जो टैक्सेबल वैल्यू था वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड था एंड उन्होंने तो, तो मुझे लगता है कि हमें जीएसटी आराम से मिल जाएगा एंड इस पर्टिकुलर केस में उस जीएसटी को मैं इनपुट टैक्स बोलूंगा क्यों इनपुट टैक्स बोलूंगा बच्चों बिकॉज यहां पे मटेरियल इन हो रहा है क्लियर है। इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय द टैक्सेबल वैल्यू जो कि देगा फाइव अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू है ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड जीरो जीरो गेट्स कैंसल्ड। करने के लिए और एक चीज मैंने किया है बच्चों मैं हमेशा टैक्सेबल वैल्यू को ऊपर लिखूंगा एंड मैं हमेशा जीएसटी को नीचे लिखूंगा ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो क्लियर है गाइस तो नीचे जीएसटी लिखा है बच्चों जो कि हमारे यहाँ पे इनपुट टैक्स का, का काम करेगा ओके okay. वन 1225 मिल गया आपको नहीं लगता बच्चों अभी मैंने यहाँ पे जो जीएसटी निकाला है वो परचेस के टाइम का निकाला है वैसे ही मैं जीएसटी सेलिंग के टाइम का निकाल सकता हूँ टैक्सेबल वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल जो था तभी टैक्सेबल वैल्यू 26,500 था सो आई कैन इजीली फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी के मदद से जीएसटी का वैल्यू दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आउटपुट टैक्स बनेगा क्योंकि हमारा मटेरियल अभी आउट जा रहा है वेरी सिंपल तो दैट विल बी बीवल द सेम फॉर्मूला बच्चा रेट ऑफ जीएसटी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टैक्सेबल वैल्यू जो कि फाइव अपॉन हंड्रेड ही देगा टैक्सेबल वैल्यू जो है वो होगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड जीरो जीरो गेटिंग कैंसल टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव करना है सिंपल कैलकुलशन विलीड टू द आंसर एज वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ऊपर लिख लिया तो देखो बच्चों यहां पे अगर आप लोग देखोगे अच्छी तरह से तो आपको पता चलेगा कि मलिक गैस एजेंसी के यहां पे इस साइड में इनपुट टैक्स उसका 1225 है एंड आउटपुट टैक्स उसका 1325 थ्री है यहां तक सबको समझ में आया क्लियर था ग्रेट अब ना बच्चों यहां पे क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट है उन्होंने सबसे पहले थर्ड लाइन के देखो यहां पे लिखा है फाइंड द जीएसटी टू बी पेड जीएसटी टू बी पेड का मतलब होता है जीएसटी पेएबल एंड जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला तो हमें पता है इट इज ऑलवेज आउटपुट टैक्स माइनस द आईटीसी एंड आउटपुट टैक्स अगर आप देखोगे आउटपुट तो 1325 है माइनस इनपुट मतलब 1225 है वेरी सिंपल दोनों को सब बच्चों मतलब को सिर्फ यहाँ पे मलिक गैस एजेंसी को सिर्फ हंड्रेड रुपीज यहाँ पे भरना है GST, समझ में आ कितना है यहाँ पे हंड्रेड रुपीज क्लियर क्लियर सबको समझा अच्छा उसके बाद ना बच्चों फाइंड द जी एस टी टू बी पेड होने के बाद उनका नेक्स्ट लाइन देखो उसी के बाजू में हिंस फाइंड दी जी एस एंड यू जीएसटी अभी क्या होता है भला हमने सी के साथ एस पढ़ा था यूटी जीएसटी क्या है उन्होंने ना यहाँ पे लिखा है बच्चों ब्रैकेट में देखो यूनियन टेरिटरी के लिए एस जीएसटी नहीं यूज किया जा सकता बिकॉज एस स्टैंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए एंड यूटी जीएसटी जो होता है वो यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट के लिए बट फॉर्मूला सेम रहता है अगर आप लोग को वहां पे यूनियन टेरिटरी देंगे तो आपको सिर्फ एस जी एस टी को रिप्लेस करके यूटी जीएसटी डालना है याद रखे बच्चा सेंट्रल को कभी चेंज नहीं करने का सेंट्रल तो सेंट्रल ही है आप स्टेट को निकालकर यूटी जीएसटी करोगे तो यहां पे बच्चों सी जीएसटी पेएबल विल ऑलवेज बी इक्वल टू पहले हम

फिफ्टी फिफ्टी रुपीज का होगा एंड यू कंक्लूड दिस क्वेश्चन अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन काफी सिंपल होंगे बच्चा सिर्फ आप लोग को डिसिप्लिन में फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से समझ कर थोड़ा लेंगे जरूर होगा बट क्वेश्चन काफी सिंपल है ओके ग्रेट नेक्स्ट टेक एन अनदर क्वेश्चन शाल वी चलो प्रॉब्लम सेट का ले लिया अभी डायरेक्टली बच्चों प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं इन बाकी है तो अभी हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट लेंगे प्रॉब्लम सेट फोर ए का यहाँ पे सबसे यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर अल परचेस्ड इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रूपीज वन फिफ्टी थाउजेंड

ओके okay, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा अपना दिमाग को यहाँ पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है है तो काफी सिंपल बट दी जरूर है ओके okay, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीन लोग हैं सबसे पहला आएगा होलसेलर तो मैंने यहाँ पे होलसेलर बना दिया बच्चों होलसेलर ने बेचा किसको रिटेलर को तो यहाँ पे रिटेलर आ गया एंड रिटेलर ने बेचा किसको कस्टमर को तो यहाँ पे मैंने कस्टमर भी लिख लिया वेरी सिंपल अब फ्लो चार्ट के हिसाब से प्राइसिंग लिखते हैं होलसेलर परचेस्ड इलेक्ट्रिक गुड्स परचेस किया है एरो अपने पास आ जाएगा कितने में परचेस किया बचा टैक्सेबल अमाउंट मतलब टैक्सेबल वैल्यू देखे रखा है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब टैक्सेबल वैल्यू है इसलिए मैंने उसको ऊपर लिखा जीएसटी होता तो मैं उसको नीचे लिखता ग्रेट होलसेलर ने उसी चीज को बेचा रिटेलर को तो एरो ऐसा जाएगा एंड वो कितने में बेचा बच्चा 1, 80, को वेरी सिंपल फिर रिटेलर ने अपने पास ये न रखते हुए उसने कस्टमर को बेचा एंड कस्टमर को कितने में बेचा गया बच्चा रुपीज टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड के टैक्सेबल अमाउंट का कितना सिंपल होता है ना बच्चा अब कस्टमर तो किसी को बेचेगा नहीं वो तो अपने पास रखेगा सो दिस इज हाउ अवर फ्लो चार्टिस्ट अच्छा अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों ध्यान से सुनना में डायरेक्टली जीएसटी निकालने की कोशिश मत करो सबसे पहले यहां पे पूछा क्या द रेट ऑफ जीएसटी इज ओके ठीक है क्लियर टैक्सेबल वैल्यू देखे रखा है रेट ऑफ जीएसटी देखे रखा है जीएसटी निकाला जा सकता है फोर्थ लाइन देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवाइसिस ऑफ सेल्स देखा बच्चा मैंने अंडरलाइन करके रखा है जानबूझकर शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवाइसिस ऑफ सेल्स सेल्स मतलब यहां पे आपको सिर्फ जीएसटी का कंप्यूटेशन सिर्फ सेलिंग के टाइम का दिखाने का है. सिर्फ एंड सिर्फ सेलिंग का तो होलसेलर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला देखो जीएसटी फॉर होलसेलर इन टैक्स इन्वाइसिस ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे तो मुझे बताओ बच्चा यहां पे मैं कौन सा टैक्सेबल वैल्यू लू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड लू या वन लैख एटी थाउजेंड लू सेल के बारे में बात हो रही है एब्सोल्युटली बच्चा हमें यहाँ पे सिर्फ वन लैख एटी थाउजेंड का पूछा गया डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द टाइम ऑफ सेल ओवर हियर फॉर होलसेलर

एंड एज यूज बच्चा मैंने आप लोग को यहाँ पे भी निराश नहीं किया थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड लिख लिया जैसे ही मिल जाता है मैं लिख लेता हूं बट कहानी में यहां ट्विस्ट है मुझे जीएसटी मिला उन्होंने बोला था शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी मैंने निकाल दिया काम खत्म नो no. बच्चो उन्होंने बोला है शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवाइसिस याद रखना बच्चों

राइट ना बच्चा विच इज हाफ ऑफ थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड जो की आपको देगा बच्चा है हमने यहाँ पे सबसे पहला काम कर लिया एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट बिलीव मी गाइज अब तक तो पहला काम हो चुका है काफी ये काफी क्वेश्चन बड़ा है बच्चा बहुत लेंगे क्वेश्चन है अच्छा उसके बाद में अब मैं सेकेंड वाले पार्ट में जाऊंगा बच्चों तो सेकंड वाले पार्ट में क्या मैं बोल सकता हूं अभी सेलिंग एक और बाकी है तो यहाँ पे जीएसटी फॉर द रिटेलर इन टैक्स सेल्स भी निकाल सकते हैं क्योंकि रिटेलर भी तो सेल कर, And 2, 20, कर रहा है उस हमारा रखा है सिंपल है अच्छा ये 2, 20, का जो यहाँ पे है उसको मैं जीएसटी निकालने की कोशिश करूंगा विच इज रेट ऑफ जीएसटी अपॉन हंड्रेड इंटू टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 upon 100, multiplied by 2, 20, जीरो जीरो गेटिंग कैंसल्ड आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड जैसे ही जीएसटी मिला ऊपर थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मैंने लिख लिया क्लियर है बट एज यूजुअल बच्चों टैक्स इनवाइसिस में जीएसटी नहीं चलता है सी एंड एस चलता है विच इज हाफ ऑफ द जीएसटी दैट वी नो थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का हाफ करना पड़ेगा यहाँ पे विच लीड्स टू द आंसर एज नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड ये आपको फ्लो चार्ट में कहीं पे भी दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं रियल आंसर यहाँ पे हमने लिख लिया है. क्लियर है बच्चो चलो हमारा सबसे पहला आंसर हो चुका है बच्चों शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी मैंने दिखा दिया इन टैक्स इनवाइसिस ऑफ सेल्फ हो गया का अभी हमारा सेकंड आंसर है बच्चों ऑल्सो फाइंड द पेबल सी जीएसटी एंड पेबल एस जीएसटी पेबल सी जीएसटी एंड पेएबल एस जीएसटी तो तभी निकल सकता है जब हम लोग के पास पेएबल जीएसटी हो पेबल जीएसटी का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है बच्चे जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आई टी सी बट यहां पे जीएसटी पेबल किसका किसका निकालने बोला है होलसेलर का भी निकालने बोला है एंड रिटेलर का भी निकालने बोला है अब देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना मैं यहां पे जीएसटी पेबल का होलसेलर का निकालने की कोशिश की मैं यहां पे थोड़ा सा अटक रहा हूं क्यों अटक रहा हूं अगर आप लोग डायग्राम को देखोगे तो होलसेलर के लिए जीएसटी पेबल निकालने के लिए मेरे पास यहां पे आउटपुट टैक्स तो मिल चुका है बच्चों थर्टी बट क्या मुझे इनपुट टैक्स मिला है बिल्कुल नहीं मुझे इनपुट टैक्स ही नहीं मिला है तो मैं कैसे फाइंड करूं तो सबसे पहले मुझे इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा नाउ डिड यू अंडरस्टैंड क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दी है

मुझे लगता है मेरे सारे क्वेश्चन मुझे बहुत सिंपल है सबसे पहले जीएसटी पेएबल निकालते हैं तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस दी आईटीसी होलसेलर को अच्छी तरह से देखो बच्चों हमारा सिर्फ ध्यान होलसेलर के पास होना चाहिए आउटपुट टैक्स मतलब बाहर जाने वाला यहाँ पे मतलब मटेरियल उस टाइम का टैक्स कलेक्टेड विच इज इक्वल टू थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस इनपुट टैक्स यहां पे कितना है बच्चा 27000 है सिंपल है बच्चा ग्रेट 32400 27000 होता है बच्चा 5400 बट फिर से यहां पे कहानी में ट्विस्ट है उन्होंने हमसे मांगा नहीं है जीएसटी पेबल उन्होंने हमसे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल मांगा है यहां पे फिर से हाफ करना पड़ेगा सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू एसजीएसटी पेबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेबल 5,400 का हाफ कितना होता है कैलकुलेट करो बच्चों, 2,700 मिलना चाहिए मुझे यहां पे मिल चुका है मैंने फाइनली ये भी क्वेश्चन कर लिया अब फिर भी अभी तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्यों थर्ड वाला पार्ट हो गया जीएसटी पेबल फॉर होलसेलर अभी भी किसका बाकी है बच्चा जीएसटी पेबल फॉर एब्सोल्यूटली रिटेलर बट इस बार ना बच्चों ये वाला क्वेश्चन और कहानी दोनों भी बहुत छोटे हैं क्योंकि रिटेलर के लिए अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स मिल चुका है इनपुट टैक्स भी मिल चुका है मतलब यू कैन इजीली फाइंड आउट जीएसटी पेबल हेल्प ऑफ द फॉर्म्यूला आउटपुट टैक्स माइनस आई पे यहां पे आउटपुट टैक्स है थर्टी माइनस आपका इनपुट टैक्स है थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इन दोनों को सप्रेड करना ना बोले बच्चों आपको सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड करके आंसर मिलेगा बट As usual बच्चा वी नीड टू फाइंड आउट the CGST payable and SGST एंड over here because question पेबल क्वेश्चन वही मांगा है तो so, 7,200 का हाफ करना पड़ेगा तो हाफ ऑफ 7,200 थाउजेंड 3,600 over here and it is as simple एज दैट तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन यहाँ पे 3,600 मिल गया एंड फाइनली दिस क्वेश्चन इज डन वाह तो क्वेश्चन थोड़ा लेंगे जरूर है Easy है, lengthy है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, बच्चा। का question number 9 है। अण्णा पाटिल थाने महाराष्ट्र इन वसई मुंबई फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रूपीज फोर्टीन थाउजेंड एंड जीएसटी रेट ऑफ ट्वेंटी एट परसेंट

सबसे पहले यहां पे मैं ना फ्लो डायग्राम बनाता हूँ फ्लो चार्ट अन्ना पाटिल करके एक कैरेक्टर है यहाँ पे एंड दूसरा है है बच्चा शॉपकीपर करके एक कैरेक्टर सिंपल एंड मुझे लगता है शॉपकीपर के बाद में शॉपकीपर का कस्टमर है तो कस्टमर करके भी एक कैरेक्टर है यहाँ पे तो so, तीन कैरेक्टर है अन्ना पाटिल ने इस बार कुछ भी बाय किया हुआ डिटेल नहीं दिया है उसने डायरेक्टली दिया कि अन्ना पाटिल ने सप्लाई किया वैक्यूम क्लीनर को सप्लाई करना मतलब किसी को तो बेच देना तो यहाँ पे परचेसिंग का कोई वैल्यू भी नहीं है तो अण्णा पाटिल ने शॉपकीपर को कितने में बेचा फोर्टीन थाउजेंड में बेचा तो so so अच्छा। यहाँ पे ऊपर लिखा बिकॉज वो टैक्सेबल वैल्यू है। फिर अपने अब ना बच्चों यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देखो अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय अन्ना पाटिल इसमें के बारे में जिक्र नहीं हुआ है बच्चा सिर्फ बोला है सीजीएसटी और एसजीएसटी जीएसटी निकाल। निकालो सी और एसजीएसटी निकालो मतलब जीएसटी निकालना है एंड जीएसटी का तो मुझे पता है आपको भी पता है बच्चा फॉर्मूला क्या होता है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं जीएसटी शोन इन द टैक्स इनवाइस फॉर अन्ना पाटिल उसके लिए आपको टैक्सेबल वैल्यू का वैल्यू होना जरूरी पता है यहां पर टैक्सेबल वैल्यू देख रखा है फोर्टीन फॉर अन्ना पाटिल

उन्होंने हमसे सी जी एस टी और एस जीएसटी मांगा है तो मैं यहाँ पे सी जी एस टी एंड ऑफ जीएसटी एंड मेरा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन तीन मार्क के लिए आते हैं आपने सबसे पहला क्वेश्चन खत्म किया है और दो बाकी है द अनदर वन बच्चों सेकंड क्वेश्चन पूछा है देखो लिखा है वहां पे अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इस बार अण्णा पाटिल का निकालने नहीं बोला है चार्ज बाई द शॉपकीपर के बारे में बोला है चलो तो अगर शॉपकीपर का चार्जिंग के बारे में बात हो रही है तो शॉपकीपर ने कितना चार्ज किया सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज चार्ज किया तो यहां पर टैक्सेबल वैल्यू भी सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड बनेगा एंड उसके लिए उसका जो जीएसटी बनेगा वो फॉर्मूला काफी सिंपल होगा बच्चा रेट ऑफ जीएसटी अपॉन हंड्रेड इंटू इक्वल टू ट्वेंटी चार्ज वैल्यू सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड सिंपल है जीरो जीरो फिर से कैंसिल हो जाएगा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर मिलेगा जो कि मैंने वहां पे जीएसटी में लिख लिया फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर एंड फिर से उन्होंने हमसे सीजीएसटी और एसजीएसटी मांगने के वजह से मैं यहाँ पे इन दोनों का हाफ करूंगा मतलब 4704 का हाफ हो जाएगा बच्चा यहाँ पे विच लीड टू अ वेरी सिंपल आंसर बच्चों सबको पता है इसका आंसर क्या मिलने वाला है इट्स गोइंग टू बी 2352 एंड फिफ्टी यहाँ पे मेरा सेकंड आंसर भी खत्म हो जाता है कितना सिंपल है ना बच्चों बट हाँ एज आई टोल्ड यू बच्चा इस क्वेश्चन में तीन तीन सब क्वेश्चन है हमने अब तक दो किए अभी तीसरा वाला करते हैं बच्चों यहां पे वट इज द थर्ड आंसर ओवर हियर द थर्ड वन इज वट इज द सी जी एस टी एंड एस जी एस टी पेएबल अच्छा अब यहां पे आता है बच्चा कहानी में ट्विस्ट हमारे हमेशा की तरह सी जीएसटी एंड एस जीएसटी पेबल निकालने के लिए जीएसटी पेबल निकालना इंपॉर्टेंट है एंड किसके लिए बोला है बच्चा बाय द शॉपकीपर बोला है तो so शॉपकीपर का यहां पे मुझे इनपुट टैक्स पता होना इंपॉर्टेंट है एंड आउटपुट टैक्स पता होना इंपॉर्टेंट है अगर आप शॉपकीपर को फोकस करोगे तो आपको इनपुट टैक्स भी दिख रहा है तो आपको आउटपुट टैक्स भी दिख रहा है देखा बच्चा फ्लो चार्ट बनाने का कितना एडवांटेज होता है ये फ्लो चार्ट के वजह से आप लोगों को उधर ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है यू कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट एज सिंपल एज दैट राइट तो यहां पे हम लोग निकालेंगे तो सी जी एस टी एंड एस जी एस टी निकालने से पहले जीएसटी पेबल निकालते हैं फॉर शॉपकीपर द इनपुट टैक्स इज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी द आउटपुट टैक्स इज फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर सो यू गेट द वेरी सिंपल आंसर जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस द आई टीसी जो कि देगा फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर माइनस थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एक सिंपल सा आंसर है बच्चों सॉल्व करके देखना 784 करके मिलना चाहिए बहुत ही सिंपल बट अगेन क्वेश्चन इज नॉट ओवर बिकॉज हमने जीएसटी पेएबल निकाला है हमें सी जीएसटी पेएबल एंड एस जीएसटी पेबल भी निकालना पड़ेगा विच इज हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल एंड हाफ ऑफ सेवन हंड्रेड एंड एटी फोर करना पड़ेगा विच लीड टू अ वेरी सिंपल आंसर एज रुपीज थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी टू एंड यू हैव फाइनली this दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन में जगह नहीं होने की वजह से मैंने फाइनल स्टेटमेंट लिखे नहीं है बट आप लोग फाइनल स्टेटमेंट ढूंढ के निकाल सकते हो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है सारे आंसर जो मैंने लिखे थे हर क्वेश्चन के बाद में वही आपको फाइनल स्टेटमेंट की तरह लिखना है थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा हो जाएगा बट इट्स कंप्लीटली फाइन इज दैट क्लियर तो दिस इज हाव यू कम्पलीट दिस क्वेश्चन एज वेल वेरी इजी ओके okay, चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर टेन है एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों चलो फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन एंड हाउ वन मोर थिंग ट्रेडिंग चेन इसके साथ खत्म हो जाता है आज चलो फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इन वॉयस वन टैक्स इन वॉयस टू टैक्स इन वॉयस थ्री GST at the rate of 12% was charged for the article supplied and आपके पास ऐसा डायग्राम है ये डायग्राम मैंने नहीं बनाया बच्चों टेक्सट बुक में जाकर चेक कर लेना आपको ये डायग्राम वहां पे मिल जाएगा बच्चों। I have not done a single thing over here. This is completely given। एग्जाम में दिया जाएगा अगर यह क्वेश्चन आया तो यहां पे ना बच्चों कैरेक्टर ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है होलसेलर है डिस्ट्रीब्यूटर है रिटेलर है कंज्यूमर है टैक्सेबल वैल्यू फॉर होलसेलर फाइव थाउजेंड है डिस्ट्रीब्यूटर का सिक्स थाउजेंड है रिटेलर का सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और कंज्यूमर का हमें फाइंड करना है तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा एंड एक्सट्रीमली ज्यादा लेंगदी है तो आप लोग को इसको अच्छी तरह से समझना है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर भी डिस्ट्रीब्यूटर भी एंड रिटेलर भी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट बट बच्चों भले ही यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है बट हम सबसे पहले क्वेश्चन पे पहला फोकस नहीं करेंगे क्यों क्योंकि उसके पहले ऊपर क्वेश्चन को देखो बच्चों फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इन वॉइस आपको दिखा बच्चा तो आपको सबसे पहले ना टैक्स 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 और 3 को प्रिपेयर करना पड़ेगा डिड यू अंडरस्टैंड एंड वहां पे दिख रहा होगा बच्चों आप लोग को टैक्स इन वॉइस टू है थ्री है, है तो सबसे पहले हम लोग टैक्स इन वॉइस प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आएगा बच्चा यहाँ पे द टैक्स इनवाइस नंबर वन टैक्स इनवाइस नंबर वन प्रिपेयर करने के लिए आपके पास टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए एंड टैक्सेबल वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल देख रखा है फाइव थाउजेंड रेट ऑफ जीएसटी होना चाहिए वो भी 12% परसेंट है तो मैं यहां पे जीएसटी निकाल सकता हूं छह सौ रुपए मिलेगा बच्चों जीएसटी एंड जैसे ही मुझे सिक्स हंड्रेड रुपीजीएसटी मिला मैंने वहां पे सिक्स हंड्रेड रुपीज जीएसटी नीचे लिख लिया यहां तक क्लियर है बच्चा सिंपल ग्रेट बट टैक्स इनवाइसिस में बच्चों जीएसटी चलता है क्या बिल्कुल भी नहीं टैक्स इनवाइसिस में हम लोग को जीएसटी नहीं चलता हम लोग को सी जीएसटी और एस जीएसटी निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 600 का हाफ करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा 300 करके एंड मैंने यहां पे टैक्स इनवाइस नंबर वन प्रिपेयर भी कर लिया इजी था बच्चों सिंपल था चलो कैन वी प्रोसीड फॉर द टैक्स इनवाइस नंबर टू ओवर हियर जो कि उनका सेकेंड डिमांड है चलो टैक्स टैक्स नंबर नंबर टू टू निकालने के लिए आप आप अगर पे को देखोगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू यहां अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड हो जाएगा जो कि आंसर देगा बच्चों सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीजे फिर से लिख लिया है सेवन ट्वेंटी बट टैक्स इन्वाइस में जीएसटी नहीं चलता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चलता है इसलिए 720 ट्वेंटी का हाफ थ्री सिक्सटी लिखना भी ना भूले एंड हमने यहां पे टैक्स इनवाइस नंबर टू भी बना दिया सिंपल था चलो लेट्स गो फॉर टैक्स इनवाइस नंबर थ्री टैक्स इनवाइस नंबर थ्री को अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे जब रिटेलर सेल कर रहा था तो वो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का टैक्सेबल वैल्यू चल रहा था तो वहां पे भी हम जीएसटी बच्चों एक सिंपल सा आंसर देगा सेवन हंड्रेड एंड एटी एंड यहाँ पे मैंने सेवन हंड्रेड एंड एटी भी लिख लिया वेरी सिंपल बट फिर से एज यूजल हमें सी जी एस टी एंड एस जी एस टी निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू रुपीज थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी वाव तो यहां पे बच्चों हमारा सबसे पहला डिमांड जो कि टैक्स इनवाइस नंबर वन टू एंड थ्री निकालने बोला था वो निकल गया आपको पता है बच्चों ये टैक्स वन, टू और थ्री निकालने की वजह से आपका कितना फायदा हुआ है पता नहीं चला अभी बता देता हूं बच्चों ध्यान से देखो हमारा पहला डिमांड हो गया अभी तक हम लोगों ने वो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो किया नहीं है अभी करते हैं उन्होंने बोला बच्चा प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड होलसेलर का भी डिस्ट्रीब्यूटर का भी रिटेलर का हरेक का जीएसटी पेबल निकालने वाला है एंड वो भी रिटर्न करते हुए गवर्नमेंट को फाइलिंग करते हुए फाइल रिटर्न करना है फाइलिंग रिटर्न करना है तो वहां पे रिटर्न करते वक्त हम सिर्फ जीएसटी पेबल नहीं निकाल सकते इन्होंने बोला है जीएसटी पेबल निकालो बट नहीं हमें उधर जीएसटी पेबल निकालना पड़ेगा सी जी पेबल दिखाना पड़ेगा एंड एस जीएसटी पेबल दिखाना पड़ेगा एंड एक स्टेटमेंट निकालने बोला है इसलिए क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी स्टेटमेंट के लिए मैंने यहां पे एक टेबल बना दिया है टेबल को ध्यान से देखो आपको भी टेबल बनाना है इजी पड़ेगा बिकॉज आप स्टेटमेंट बना रहे हो यहां पे बच्चों टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो पर्सन लिखा है, है, है। यहां पे वही बंदे जीएसटी कितना पे कर रहे हैं इन रूपीज लिखा है एंड आपको पता है बच्चों आपने सारी चीजें ऑलरेडी करके रखा है ऊपर चाहो तो डायग्राम भी देख सकते हो ऊपर देखोगे तो आपको पता चलेगा बच्चों यहां पे होलसेलर ने सिक्स हंड्रेड रुपीज जीएसटी को कलेक्ट किया था एंड जाहिर सिर्फ है. तो होलसेलर को टोटल जीएसटी वेरी गुड सिक्स हंड्रेड मिलते ही वो सी जी एस टी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा तीन सौ रुपए देगा एंड एस जी एस टी तीन सौ रुपए जाएगा ये हो गया बच्चा होलसेलर का अब यहां पे कंफ्यूज मत होना बच्चों डिस्ट्रीब्यूटर भले ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे मैंने 720 लिखा है बट डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या यहाँ पे सेवन ट्वेंटी भरना है क्या जीएसटी बिल्कुल नहीं हमने इसके बारे में बात किया था बच्चा जीएसटी पेबल इज ऑलवेज आउटपुट टैक्स माइनस दी आई उसने इधर से 720 कलेक्ट किया उधर से सिक्स हंड्रेड दिया है तो यहां पे 720 ट्वेंटी माइनस सिक्स हो जाएगा जो कि यहाँ पे आप लोग को मिलेगा वन उसको सिर्फ वन देना है क्लियर है एंड वो वन ट्वेंटी रुपीज का हाफ हो जाएगा सिक्सटी एंड हाफ हो जाएगा सिक्सटी वेरी सिंपल सेम टाइम बच्चों को देखो यहाँ पे तो रिटेलर ने यहाँ से कलेक्ट तो किया आउटपुट टैक्स सेवन एटी बट उसने इनपुट टैक्स यहाँ पे सेवन ट्वेंटी किया है तो यहाँ पे आपको सेवन एटी माइनस सेवन ट्वेंटी करना है एंड जो कि आपको सिंपल सा आंसर देगा बच्चा सिक्सटी करके वेरी इजी तो यहाँ पे आपको 780, -780 सेवन एटी 30 एंड 30 रेस्पेक्टिवली हो जाएगा एंड देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल टैक्स टोटल टैक्स निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे पेबल जीएसटी का टोटल टैक्स कितना हो जाएगा 600 हंड्रेड प्लस वन प्लस सिक्सटी जो कि होगा सेवन एटी वेरी सिंपल पेबल सीजीएसटी कितना हो जाएगा बच्चा हाफ ऑफ होने वाला है ऐसे भी ऐड कर सकते हो नहीं तो हाफ करो डायरेक्टली 390 मिलेगा एंड यहाँ पे भी 390 मिलेगा आपने सबसे पहला आंसर निकाल दिया बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो चुका है आपने एक स्टेटमेंट बना दिया वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड ग्रेट अब ना बच्चों बच्चों पे second question है. Second question है है आपको पता है हम लोग ने इसको सेशन में लिया था कि टोटल कितना होता है कस्टमर के लिए वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी होता है तो अगर मुझे यहाँ पे मैं कंज्यूमर हूं मुझे यहाँ पे कुछ मटेरियल खरीदना है तो रिटेलर ने वो मुझे ना tax invoice number 3 के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू कितना बताया था

थर्ड वाला यहां पे अगर हम लोग पूछेंगे तो कितना सिंपल सा चिंदी सा टॉपिक है द क्वेश्चन इज राइट विच ऑफ दूड आर बी टू बी एंड ऑफ देम आर बी टू सी बी टू बी अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद दिला देता हूं बी टू बी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन business से लेकर बिजनेसमैन के बीच में और बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस पर्सन से लेकर कस्टमर में जाने वाले जिस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं वो बी टू सी होता है अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा होलसेलर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर क्या हम बोल सकते हैं बच्चा होलसेलर भी एक बिजनेसमैन है एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी एक बिजनेसमैन है सो दिस ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड एज बी ट्रांजेक्शन फिर अगर आप लोग देखोगे डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तो उधर भी अगर आप देखोगे दोनों भी ही बी टू सी एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन फॉर फोर मार्क्स एज वेल एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट तो इसी के साथ बच्चों हम लोग ट्रेडिंग चेन यहाँ पे खत्म कर लेते हैं एंड जीएसटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट इसीलिए बिकॉज अभी भी दो क्वेश्चन हमारे बाकी

अगर देखोगे तो ही समझेगा ऐसे बीच बीच में देखोगे तो डिफिकल्ट लगेगा सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों जरूर देख लेना अगर आप लोग नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में तब तक डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव यू ऑल थैंक यू सो मच एंड बाय